हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे जनरेट की जाती है और कैसे हम इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इक्वेशन को बनाने में यूजफुल हैं, या ये कहा जाए कि वो फॉर्मूले कौन से जिनसे इक्वेशन जनरेट होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लें जो कि हमारे लिए इक्वेशंस ऑफ लाइन को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, दैट इज ओरिजिन। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि ये ओरिजिन है, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, तो वो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। अगर ऊपर है तो वो प्लस है, नीचे है तो वो माइनस है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगी तो वो वाई इज इक्वल टू ए होगी। तो हम यहाँ प्लस माइनस ए इसलिए लगा देते हैं कि इट वुड बी अप फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट वुड बी बिलो फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो पहला तो ये बहुत आपको ध्यान रखना। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब देखिए वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, या तो लाइन इधर होगी या तो लाइन इधर होगी। तो ये हमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब आता है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन क्या होता है बच्चों, आइए देखिए। जैसे ये एक्स है और ये वाई एक्स है, और ये कोई भी एक लाइन है जो हमने ड्रॉ करी है। लेट सपोज ये लाइन है ए बी। ये जो लाइन है वो इस एंगल के साथ, वो इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। तो ये जो थीटा डिग्री का आया, ये जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है, उसे हम नाम देंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, तो अगर मैं पूछूं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, जीरो। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, यस करेक्ट, जीरो। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। तो क्यों, क्योंकि आपको यहां दिख रहा है क्वेश्चन में कि ये हमने एक लाइन खींची, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है, तो ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये वाई एक्सिस के पहले हुई ना, तो इंक्लिनेशन कितना होगा 90। और एक हमने और लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखिए ये एक्स है ये वाई है, और कि हमने एक्सिस के पहले खींची, तो देखिए ये इसके पैरेलल हो गई। तो एंगल तो हमेशा एक्स एक्सिस से निकाला जाता है, तो वो कितना दे रखा है, वो इस केस में जीरो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। एक टर्म यूज होता है स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट, और स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट कैलकुलेट करते, तो वो होता कुछ नहीं है, ये जो एंगल है उसका 10 में मान ले लिया जाता है, तो वही उसका कहलाता है स्लोप। अब ध्यान दीजिएगा यहां कि अगर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मींस वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, वो कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल होगी वो वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वर्टिकल टू एक्सिस, वर्टिकल टू एक्सिस मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उस केस में जो इंक्लिनेशन होगा थीटा, वो कितना होगा 90 डिग्री। तो स्लोप जो होगा वो आप नहीं डिफाइन करेंगे, इसमें स्लोप डिफाइन नहीं होगा, स्लोप नॉट बी
डिफाइंडेड। क्यों भाई स्लोप डिफाइंड नहीं होगा? क्योंकि 1090 का मान इंफिनिटी होता है, इसलिए स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो जो याद रखना है वो क्या चीजें याद रखनी है, आइए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें। जो हमें याद रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स क्या हैं, किसके रूप में, इक्वेशन के रूप में, इक्वेशन के रूप। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया आपको। पैरेलल और परपेंडिकुलर ये तो आपने देख ही लिया, जो मैंने आपको बताया ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि उसका जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो देखिए, एक ये लाइन है, ये इस तरह जा रही है, ये यहाँ पर थीटा डिग्री बना रही है और यहाँ से कितना इंटरसेप्ट कर रही है, सी। तो सी जो इंटरसेप्ट होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है, सी जो इंटरसेप्ट हो रहा है, और जो थीटा है उसका 10 में वैल्यू यहाँ लिखे, मतलब थीटा 10 थीटा इक्वल टू एम, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्या फॉर्म हो जाता है, स्लोप फॉर्म। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फिर आ जाता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कहता है कि आपको एक पॉइंट दिया है x1 y1 और आपको m दे रखा है, स्लोप दे रखा है, स्लोप का मतलब थीटा दे रखा है। देखिए ग्रेडियंट स्लोप, इंक्लिनेशन दिया है तो भी समझ लीजिए आपको स्लोप आसानी से आप निकाल सकते हैं, और अगर अगर आपको एंगल दिया है तो उसके 10 में जो वैल्यू निकालेंगे उससे भी आराम से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, तो वो इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आपकी आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये आपको याद करना है। एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों कि जो आपका रिजल्ट आएगा इक्वेशन का वो हमेशा एक्स और वाई में होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो किस में होगी, वो हमेशा एक्स और वाई में होगी। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, थर्ड क्या है आपका, थर्ड दे रखा है टू पॉइंट, टू पॉइंट। अब की बार आपको कितने पॉइंट दिए होंगे, टू पॉइंट, टू पॉइंट फॉर्म। ये टू पॉइंट फॉर्म क्या चीज होती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब की बार आपको दो पॉइंट दिए, एक तो आपको दिया गया होगा एक्स वन कामा वाई वन और दूसरा आपको एक्स टू कामा वाई टू, ये आपको दे रखा है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस को हम कैसे डील करेंगे, आइए इसको समझते हैं। इस केस को डील करने के लिए, इसके फॉर्मूले को याद करने के लिए बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो आपका आया ये टू टू पॉइंट फॉर्म आया। ठीक है, जहां पर ये जो दे रखा ये और ये जो चीज होती है एक्चुअली ये होता है स्लोप m, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि स्लोप जो है, अगर आपको दो पॉइंट दिए हो आप ये फॉर्मूला याद रखें बस। और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आई होप ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताए ये आपको क्लियर हुए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसके क्वेश्चंस हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।